जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल मैंने बोला था कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो फाइनली आज से हमने अपनी सारी क्लास को स्टार्ट कर दिया हूँ, जैसे पहले चलती थी, ठीक है, 4 महीने पहले। वैसे अब आज से आपको डेली क्लासेस मिलना शुरू हो गई, ठीक है ना? तो आज हम लोग करेंगे गाइज भारतीय नौसेना MR और SSR के लिए एकदम बढ़िया वाला मॉक टेस्ट, और एकदम मज़ा आ जाएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें GK भी है, गणित भी है, विज्ञान भी, तीनों सब्जेक्ट का लेकर आया हूँ। 30 मिनट में 50 प्रश्न करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्स में सवाल आने का पूरा पूरा चांसेस है एकदम, ठीक है ना? तो आप लोग को बिना डिले करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? और गाइज एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइज, एक चीज़, ठीक है? इसमें क्या है, नेवी MR और SSR के लिए रक्षक ऐप जो है ना, उस पर काफ़ी बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज आ चुके हैं। आप लोग जाके लगा लीजिए, जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा नहीं। वहाँ पे फ्री भी कंटेंट है, पेड भी है। पेड तो बस एक ही चीज़ रहता है, मॉक टेस्ट, ठीक है? क्योंकि मॉक टेस्ट इतना ज़बरदस्त तैयार किया गया है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। 349 प्राइस है, लेकिन आप मेरा कोड यूज़ करेंगे GJ8050 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो प्रैक्टिस सेट आपको 175 रुपये में 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बेस्ट वाला, ठीक है? आपको उसमें PDF डे बाई डे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जाके जल्दी से आप लोग ले लीजिए, देर मत करिए, क्योंकि इसका प्राइस हो सकता है तो हाइक हो जाए, ठीक है? तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट वाला है। पहले उसमें डेमो है, डेमो चेक कर लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ज़बरदस्ती कोई कर देगा, है ना? ऑफलाइन थोड़ी ना कि ज़बरदस्ती एडमिशन करा देगा, वो नहीं है। तो आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड भी होगा। खैर, फ्लैट तो कर ही रहा है कोड, तो डाउनलोड करके अपना MR में, नेवी में जाइए, MR चूज करिए, SSR चूज करिए, उसके बाद अपना इनरोल करिए, उसके बाद एकदम बेस्ट तैयारी करिए, ठीक है? हम डेली क्लास लेंगे आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है गाइज आपके स्क्रीन पर है, ठीक है? आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, स्टेट आपसे पूछा है, ठीक है ना? केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर हम बात करें स्टेट है, तो आपका आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि गन्ना का उत्पादन होता है ना? ये फैक्ट याद रखें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पे आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत सारे लोग क्या करते, क्या है ना कि अरे छोटा क्वेश्चन क्या है, छोटा तो आता है, लेकिन छोटे में अक्सर बड़ा गलती करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट? चलते हैं, दूसरा सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा है, चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान है, श्रीलंका है। सबका एक क्वेश्चन बना के भेजना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? चाइना की कैपिटल, मतलब सारे के कैपिटल और मुद्रा, ठीक है ना? कैपिटल जो होता है, मतलब कैपिटल का मतलब समझते हैं ना, राजधानी, और मुद्रा यानी करेंसी, सबका बताना है कमेंट बॉक्स में खूब अच्छे से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का, ऑप्शंस क्या हो जाएगा पता है ना आपको, ऑप्शंस डी श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी याद कर लो, पेड़ याद कर लो, मिठाई याद कर लो, इसमें अगर एक न एक फंसी जाता है MR में, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3रे नंबर का, ऑप्शंस बी, ठीक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मोर हो जाएगा दोस्तों, मोर याद रखना, मोर। चलिए आगे देखिए, 4थे नंबर है, बांग्लादेश जो था ये कब पूछ रहा, आज़ाद हुआ था, आप लोगों को पता है बांग्लादेश जो था कब आज़ाद हुआ था, ठीक है? तो बांग्लादेश हम बात करें, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना? याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बांग्लादेश का मुद्रा और आप मुझे मतलब कैपिटल करेंसी जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि बार बार इसका आया हुआ है, नहीं विश्वास है आप चेक कर सकते हैं। चलिए, 5वें नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड पता है ना आपको, तो ये दिया जाता है किसको, विशिष्ट खिलाड़ी को, मतलब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसको, या फिर एक्टर एक्ट्रेस मतलब कलाकार, या फिर वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होता है, या फिर कवियों को। तो 5th नंबर का बात करें, ऑप्शंस हो जाएगा ए, 5th नंबर का हो जाएगा ऑप्शन से, यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स जो क्या बोलते हैं, पर्सन होते हैं, जो विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? अवार्ड दिया जाता है, इस चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 6 नंबर का अगर हम बात करें गाइस,
निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई बताइए, ऑप्शंस ए बी सी डी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। और देखो लालू प्रसाद जी तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी दो तो हम बिल्कुल अपने सेफ जोन में ले सकते हैं ना, क्योंकि लालू प्रसाद जी है ना बिहार के क्या थे, पहले सीएम थे। अब ये नॉन ऑफ दिस तो नहीं, कोई ना कोई जरूर है इसमें से, ठीक है। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनको, सिक्स मतलब ऑप्शन बी श्रुति लता मंगेशकर को, राइट। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था बताइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है देख ही सकते हैं। ऑप्शंस भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इस चीज़ को याद रखना काफ़ी अच्छा, मतलब ये स्थित वाला जो क्वेश्चन है, स्थित वाला सिचुएटेड जो होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किस नदी किनारे कौन स्थित है, क्या नदी स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एनी टाइम आते हैं। तो 7 नंबर का 7 का ऑप्शन डी बिहार, बिहार में याद रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है। बिहार के बारे में पूरा थोड़ा सा कुछ कुछ पढ़ लेना, जैसे कि अभी सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, लाइक यहाँ के राज्यपाल कौन है, लाइक बिहार में क्या क्या थोड़ा फेमस है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, आपको पता होना चाहिए। जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूछ रहा है, अरुणाचल प्रदेश इज ए स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन दी डॉट 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 ऑर्डर ऑफ इंडिया, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब आप बोल सकते हो पूर्वोत्तर, राइट। पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य जो है, एक अरुणाचल प्रदेश का एक राज्य है जो कि भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है, याद रखना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लास भाई छूट जाता, आदत एक्सपीरियंस छूट गया ना पढ़ाने का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर हम बात करें, तो इन लोगों का कार्यकाल तो मुझे लगता है कि हर लोग को पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनके कार्यकाल तो सबको पता होना चाहिए। 9 नंबर का मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताओगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी से भी इजी है, 5, 6, 7 नन ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना, मैं नहीं दूंगा क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। राष्ट्रपति कौन है अभी, ठीक है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति अभी चेंज हुए हैं कुछ दिन पहले, उसके बाद कितने सालों का होता है, 2 क्वेश्चन बताना कमेंट बॉक्स में 9 नंबर का। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है गाइस, आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, है ना, मतलब नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो 10 नंबर का जो आंसर होता है वो गंगा, गंगा मैया है भाई, 25-25 किलोमीटर की लंबी, ठीक है, 25-25 याद रखना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद रखना। ये है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि हमारे घर से 2-3 किलोमीटर के पास से ही गुजरती है गंगा जी, है ना। चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही, पहले तो आप लोग समझिए सर्वग्राही होता क्या, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। सर्वदाता भी होता है, सर्वग्राही भी होता है। तो देखो सर्वग्राही सर्वदाता, सर्वदाता उसे कहते हैं, सर्व का मतलब होता है सब, ठीक है, सर्व का मतलब होता है सब, और दाता का मतलब होता है दान करना, ठीक है, सर्वदाता। तो सर्वदाता वो होता है, ओ प्लस होता है, ठीक है, सर्वदाता सबको दान कर सकता है, ओ ब्लड जिसमें होगा उस सब को दान कर सकता है, लेकिन ओ का जिसमें होगा वो किसी का ले नहीं सकता, ओ जब भी लेगा ओ का ही लेता है ब्लड, पता है ना आपको। सर्वग्राही सबग्राही, इस सर्वग्राही क्या है भाई, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन भी ए बी है, ए बी जो होता है रक्त समूह ये सर्वग्राही के अंदर आता है, सर्वदाता जो आता है ओ प्लस आता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सर्वदाता सर्वग्राही में बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, तो ये याद रखना, वैसे भी ये जनरली याद रखना चाहिए भाई, सर्वदाता और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वग्राही सर्वदाता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइस, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले हरित कर्ण जो है जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। हमने बचपन में पढ़ा हूँ यार, ये कोई बड़ी बात नहीं, तो हम इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जब कोई पेड़, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पौधे में पाए जाने वाली हरित कर्ण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। क्लोरोफिल, प्रोटोप्लास्म, ठीक है, हीमोग्लोबिन, पॉलीमर। तो हीमोग्लोबिन तो लाइक होगा नहीं, पॉलीमर भी होगा नहीं,
तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 12 नंबर का ऑप्शन से, क्लोरोफिल होता है। ठीक, क्लोरोफिल के वजह से ही पेड़ पौधा हरा होता है। ठीक है भाई, देखो बिना, अब जैसे कि पेड़ हो गया तो उसको अगर वो धूप ना मिले, उसको पानी ना मिले, तो अपना प्रक्रिया कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना। जैसे हम लोग हैं, पानी हम लोग को अगर नहीं मिले, खाली भोजन मिले, तो हम लोग को देह जो बॉडी है, देह के भोजपुरी लैंग्वेज देह, ठीक है, तो हम लोग का जो बॉडी है तो ग्रोथ नहीं कर सकता भाई। खाली आप अन्न खाओ, पानी ना पियो ना, तो आपको बॉडी ग्रोथ करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी के हर चीज़ ज़रूरी है, लाइक टेम्परेचर, ठंडी भी ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है। धूप से हम लोग क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, जानना चाहिए, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है भाई। ठीक है, चलो आगे देखिए 13 का, शुद्ध सोना कितने कैरेट को, तो शुद्ध सोना भाई होता है 24 कैरेट का, आपको पता है 24 कैरेट का सोना होता है। जब भी कुछ बनता है तो उसका 18 कैरेट मोस्टली या फिर 22 कैरेट मोस्टली लोग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का कभी बन नहीं पाएगा, और बनेगा भी तो टूट जाएगा जल्दी, ठीक है, मतलब बन ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चार पाँच ऐसे मिलाए जाते हैं उसमें, रखते हो तभी जाके बनता है भाई 18 और 22 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपसे पूछा है कि विद्युत का कुचालक है, प्लेटिनम, स्टील, प्लास्टिक, इनमें से कोई, 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, लाइक सी प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होता है ये कुचालक है, विद्युत का कुचालक, याद रखना। चलो आगे देखते हैं गाइस, सोडियम क्या है, सोडियम यौगिक मिश्रण गैस तत्व, बताना है आपको सोडियम को क्या चीज़ में रखा जाता है, क्या चीज़ से काटा जाता है, दोनों को बताना है आपको। 15 की बात करें गाइस, ऑप्शन डी हो जाएगा तत्व, ये एक एलिमेंट्स के अंदर आता है, सोडियम एक क्या है, तत्व, ठीक है। सोडियम को हम लोग भाई क्या में रखते हैं पता है, किरोसिन तेल में रखते हैं यार, चाकू से काटा जा सकता, सोडियम को हम लोग उसी में तो रखते हैं, मिट्टी के तेल में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध जो था कब लड़ा गया था बताइए गाइस, हल्दीघाटी का युद्ध था 16 का ऑप्शन सी, 1576 में युद्ध लड़ा गया था। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि किसके किसके बीच में लड़ा गया है, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध, क्योंकि युद्ध से भाई क्वेश्चन आता है याद रखना, ठीक है। चलो 17 नंबर का, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था बताइए, बीरबल जो था किसकी अदालत में एक सलाहकार था, ठीक है, एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ, बताए ना, बताइए, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, 17 का हो जाएगा ऑप्शंस, लाइक बिल्कुल भी हो जाएगा, याद रखना, अकबर, अकबर इज अ करेक्ट आंसर। चलो 18 नंबर का देखते हैं गाइस, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, जो उद्यान है, ठीक है, गार्डन इनसाइड, तो पूछा है कि किस नाम से जाना जाता है भाई, 18 नंबर का बात करें ऑप्शन से हो जाएगा, याद रखना है, क्या मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछे दे देगा, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है ताजमहल के अंदर के उद्यान को, या फिर इंडिया गेट के बाहर के उद्यान को, इसका इसका उद्यान को, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाने का तो उन लोग को भाई तरीका है ना, हम लोग उतना सोच नहीं सकते कि कैसे बनाएंगे वो लोग, बहुत सारा है क्वेश्चन बनाने का, इसमें हम दो तीन क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपको पूरा उसको आगे पीछे दहिने बाएं सब घुमा के पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलो तो मुगल गार्डन याद रखना 18 का। चलो नेक्स्ट है 19 का, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, पुर्तगाली, 19 का हो जाएगा ऑप्शन लाइक बिल्कुल डी, याद रखना पुर्तगालियों ने, 19 का क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों ने, इस चीज़ को बिल्कुल 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 याद रखना भाई, ठीक है ना, याद तो रखना, भूलना कभी मत, ठीक है ना। चलो पुर्तगालियों ने, नेक्स्ट 20 का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था कि प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी बताइए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जवाब देना पड़ेगा सभी को, तो इसके हम बात करें ना गाइस, अगर हम बात करें सही आंसर का, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो था वो डब्ल्यू सी बनर्जी ने करे थे, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार आया है आपके एग्ज़ाम्स में, कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आया भी है, महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था बता सकते हैं,
ट्वेंटी फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथूराम गोडसे ने करा था, महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करा था। ठीक है, चलो इकबाल जिंदाबाद का नारा आपको बताना है। इकबाल जिंदाबाद का नारा जो था, ये स्लोगन जो था, ये किसने दिया था, ये स्लोगन पूछा है ना। तो चलिए बताइए, तो सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो अगर हम बात करिए जो स्लोगन था, ये स्लोगन देने वाला नाम था उनका भगत सिंह जी। ठीक है ना, 22 नंबर का आपको याद रखना है, 22 का ऑप्शन सी भगत सिंह। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत बहुत बहादुर नेता भगत सिंह जी। ठीक है ना, याद रखना, चलो याद रखना भाई, मुँह पे सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। जीडी का आपने पेपर देखा क्या? मुझे लगता है कि जो मेरे क्लास करा होगा ना फोड़ के, तो पक्का आया होगा पिछले वाले क्लास। ठीक है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे भाई, बताना आपको आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। नहीं पता है, मैं बताता हूँ, इसका हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफार खान। क्या भाई, खान कहाँ गया भाई, क्वेश्चन मेरा उड़ कहाँ जा रहा है। खान अब्दुल गफार खान ने ये आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे, याद रखना, खान अब्दुल गफार खान, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भट्टा किस कारण से आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव की वजह से आता है, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बताना है आपको। ठीक है, तो बात करें इसका 24 का ऑप्शन लाइक डी हो जाएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है ना, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। 25 नंबर देखते हैं, हरित क्रांति होता है, पीली क्रांति होता है, वाइट रिवोल्यूशन भी होता है शायद ना। चलो, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है ना, इसके जनक पूछे जाते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, हरित क्रांति के जनक कौन है, पीली क्रांति के जनक कौन है, किससे संबंधित है पीली क्रांति, तो बताता हूँ थोड़ा बहुत। 25 नंबर का देखिए ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें 25 नंबर का आप लोग याद रखना, गेहूं से जो है हरित क्रांति को जन्म, और पीली क्रांति आते हैं तिलहन, याद रखना ये, और जन्मदाता तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, हवा होती क्या है भाई, भार सहित निर्वात में होती है, भार रहित होती है, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस लाइक बिल्कुल हैज फेल, भार सहित होती है, हवा एक भार सहित होती है भाई, याद रखना। चलो, सोडियम का रासायनिक चिन्ह, अच्छा क्वेश्चन, नाम भी आता है सोडियम का, ये तो चिन्ह पूछ दिया ना, सोडियम का रासायनिक नाम भी पूछता है। ठीक है, इसका सूत्र भी पूछता है, इसका चिन्ह भी पूछता है। तो सोडियम का अगर हम बात करें, सोडियम का जो सिंबल पूछा आपसे, 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, Na होता है सोडियम का। ठीक है ना, सोडियम का क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर एस होता है, नहीं होता सर, Na से हम लोग इसको सूचित करते हैं, या इसका चिन्ह है Na मतलब सोडियम। ठीक है, चलो अब देखो आगे, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट कहलाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होता है गाइस, वो पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कैरोटीन या फिर जैथोफिल या फिर हीमोग्लोबिन या फिर एंथोसाइनिन। ठीक है, तो 28 नंबर का हो जाएगा, 28 नंबर के बात करेगा इस ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखना, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन तो ही होता है यार, और रेड ब्लड जो सेल्स होता है इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, कार्यकाल मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये भी एक्सपायर होता है हमारे ब्लड, या आप लोगों को लगता है अरे नहीं इसका एक भी होता है कि कितना दिन, यार 3 से 4 दिन तो आपका होता है वाइट ब्लड सेल्स का, WBC का वाइट ब्लड सेल्स का, वो इसका होता है 180 डेज का। ठीक है, यानी कि 18 × 36 360 365, यानी कि आपको 6 महीने पे ब्लड को डोनेट करवाना काफ़ी कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है, लिंग लोग करवाते नहीं है, डोनेट करना चाहिए ब्लड, क्योंकि आपके 6 महीने के बाद वो होता क्या ना कि वो ब्लड फिर धीरे धीरे ख़त्म होता है, फिर नई तरीके से बनता है। हम लोग सोचते हैं कि यार ब्लड करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हाँ थोड़ा एक दो दिन फीलिंग तो आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से फिर आपके बॉडी में नया खून आएगा ना, क्योंकि नया खून भाई एक बनना वो तो पता ही आपको, लेकिन काफ़ी ज़रूरी होता है ब्लड डोनेट करना। हम लोग को शायद नहीं करते या फिर डरते हैं,
लेकिन ब्लड डोनेशन जरूरी है हर 180 दिन के बाद। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है, 29 का ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन से हो जाएगा CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2, 29 का ऑप्शन से याद रखना। तंबाकू का मुख्य घटक, अच्छा क्वेश्चन आया है, मॉर्फिन, निकोटिन, एस्पिरिन, इनमें से कौन ही? 30 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 30 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, निकोटीन होता है, आपको पता ही है, तंबाकू का मुख्य घटक निकोटीन। नेक्स्ट लीजिएगा, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं भाई, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर क्या? अपरूप होते हैं या फिर समाकृतिक होते हैं, आइसोमोर या फिर आइसो बार्स, ठीक है। तो बता दूं कि इसका 31st का हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये एक अपरूप होते हैं, याद रखना, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? अपरूप होते हैं। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, रिएक्शन का क्वेश्चन है भाई, कहता है Na2CO3+2HCl, तीर एरो बोल सकते हो, एक्स प्लस CO2+H2O समीकरण में एक्स क्या होगा बताइए। तो क्या होगा एक्स? तो एक्स बता दो, 30, इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 32 का हो जाएगा ऑप्शंस बी, बिल्कुल हो जाए, 2NaCl होता है, याद रखना। कैलकुलेशन इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाइए वहाँ से, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट का आण्विक सूत्र होता है भाई, आपको बताना है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का आण्विक सूत्र क्या होता है? MgPO42, या फिर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर है, 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शंस, लाइक सी, सी इज द करेक्ट आंसर, Mg3PO42 होता है इसका आण्विक सूत्र, याद रखना, मैग्नीशियम का, ठीक है। चलो, H2SO4 का आण्विक भार, H2SO4 हम किसको बोलते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, H2SO4 किसका सूत्र होता है बताना है आपको, इसका आण्विक भार तब तक के लिए जान लीजिए, 34 का ऑप्शंस डी, 50, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इग्नोर करेंगे तो घाटा आपका है, क्योंकि मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ना क्वेश्चन, इसलिए छोड़ रहा हूँ, सुनिए क्यों, ताकि आपके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी, सर ये क्वेश्चन मत पूछें कोई से भी, अगर हम एक चीज़ आप लोग देखें कि नहीं, कि एक जिम्मेवारी से जो काम होता है ना वो बंदा सीख ही लेता है, नहीं सर कैपिटल पूछे थे चारों का, चारों को अगर हम जान लेंगे सर्च करके तो हमको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि वो सर्च किए हुआ आपका ना भूलते बहुत कम लोग हैं, आ हम पढ़ा के निकल जाएंगे ना तो तुरंत भूल जाते हैं, सर जी तो पढ़ा दिए ना, एक अपने से जाके उसको जब बारे में सर्च करिएगा ना 2-3 बार, तो कभी भूलने का ताक मतलब हो ही नहीं सकता, ये हमारे अंदर यही रहता है कि कोई बता देगा ना हम चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो बता ही दिया, लेकिन जब अपने से सर्च करके जाओगे ना उस प्लेटफॉर्म पे, सर्च करोगे ना, सर जी ने पूछा था 4 क्वेश्चन, चलो भाई इसका ये बताया था, इसका ये बताया था, इसको तो वो लाइफ टाइम के लिए याद रहता है, ठीक है, कारण यही बस। तो H2SO4 का आप बता देना। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है बताइए, बताइए तो जल्दी 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 जल्दी, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है आपको बताना, इथाइल मादक, मिथाइल मादक, CO2NaCl, ठीक है। अब NaCl भी सूत्र है ना किसी किसी का, बताइए है ना, लेकिन नहीं पता आप लोगों को, गलत बात है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन से इथाइल अल्कोहल बोल सकता है, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है भाई, तो इथाइल अल्कोहल मादक, राइट। चलो, निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक्स आनुवंशिकी का जनक माना जाता है? मेंडल, मार्गन, चार्ल्स डार्विन, JBS होल्डन, ठीक है, JBS होल्डन। तो आपको मैं बता दूं कि गाइस हु इज नो एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। 37 का बात करेगा, जो ऑप्शंस लाइक हो जाएगा ए, ए इज अ करेक्ट आंसर, मेंडल हो जाएगा, मेंडल याद रखना, मेंडल, ठीक है, याद रखना भाई मेंडल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 37 वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, आपसे पूछा है, है ना, आपसे पूछा है, रिसोर्स, रिन्यूअल रिसोर्स आपसे पूछा है, तो भाई खनिज पदार्थ, जल, कोयला, इनमें से कौन ही? 38 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शंस बी हो जाएगा, वाटर, यानी कि ऑप्शंस बी, वाटर इज द करेक्ट आंसर गाइस, याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शंस बी इज द करेक्ट गाइस, एक बात है थोड़ा शेयर कर देना यार प्लीज़। चलो आगे देखो, अगला सवाल, किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है आपको बताना है। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इनटू या फिर क्रॉस डिस्टेंस, या फिर टाइम अपॉन डिस्टेंस, टाइम प्लस डिस्टेंस,
तो आपको बताना है किसी गतिज पिंड का, किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है। 39 का हो जाएगा ऑप्शन से डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट लीजिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? नहीं पता है, सूर्य ग्रहण तो सब लोग को मोस्टली पता होना चाहिए। पृथ्वी के सूर्य तथा चंद्रमा के मधाने से होता है, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मधाने से, या फिर चंद्रमा के सूर्य के चंद्रमा तथा पृथ्वी के मधाने से संकट के समय। तो आपको मैं बता दूं, 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध आने से होता है। इसको याद रख लेना मेरे दोस्त, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ होते हैं? आपको बताना है ना, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये किसके अप्रूफ? सिलिकॉन का, सिलिनियॉन का, कार्बन का, टीन का? तो 41 का ऑप्शन सी कार्बन का होता है भाई, सॉरी 41 का जो हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं पता है? हाँ, ऑप्शन सी कार्बन का ही होता है भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशी केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त तो होता है? आपको बताएं, पायरिक्स कांच, फ्लिंट कांच, मृदु कांच, तुर्गिनी का? आपको बताना है जल्दी से कि प्रकाशी केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? नहीं पता है, जान लीजिए। ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल क्या, 42 का बी हो जाएगा भाई, 42 का ऑप्शंस बी हो जाएगा, याद रखना, फ्लिंट कांच होता है, ठीक है? ऑप्शंस बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है भाई, आपसे पूछा है कि डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऋणायन, धनायन, वफर, अपरूप। तो आपको बताना है 43 नंबर का, 43 का हो जाएगा गाइस ऑप्शंस, लाइक बिल्कुल क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शंस डी यानी कि अपरूप होता है। आप सभी को पता है ऑप्शंस डी, डी इज़ अ करेक्ट आंसर, याद रखने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, कार्बन। कार्बन मतलब ऑप्शन से, याद रखना, 44 का ऑप्शन से, ठीक है? चलिए, कार्बन है एक धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। तो आपको बताने इस कार्बन एक आपको बताने, तो कार्बन बता दो आपको 45 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा भाई, ऑप्शंस बी हो जाएगा, मतलब उपधातु होता, सॉरी अधातु होता है, नन मेटल के अंदर आता है कार्बन। कार्बन जो है ये एक नन मेटल है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आपके एग्जाम्स में, याद रखना है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? व्हाट इज ए टाइप ऑफ हैवी वाटर? चितलक है, कूलेंट, मंदक, अयस्क ईंधन, फ्यूल। तो बताइए भाई, भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, मंदक, याद रखना, 46 का भाई, मंदक। नेक्स्ट, एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 150, 100, 200, 250 मीटर। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एक बस की जो स्पीड है, वो स्पीड बोल सकते हैं, एक बस की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा, मतलब उसी के द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर तो भाई कोई भी बता सकता है, देखो कैसे, ऑप्शन से हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 × 5/18 हम लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए, 5/18 का मतलब हो गया कि 36 × किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है इसको कन्वर्ट मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगुणा 15 सेकेंड आपका ऑलरेडी दिया है, ठीक है? सेकंड में दिया है और मीटर में आंसर को निकालना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो 5/18 से 18/5, अगर अगर यही क्वेश्चन अगर आपको दिया होता, 36 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना होता है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में काम करना है, तो 5/18 × 15 कैलकुलेशन करोगे, 150 आंसर आपकी स्क्रीन पर, राइट? ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित दूरी को भारतीय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट तय करती है, इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 2 घंटा, 1 पूर्णांक 3/6, ठीक है? जो भी है आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब देंगे और, ठीक है, दे देंगे, मुझे पता है। और देखो भाई, आज दो ही मैंने मैथ का क्वेश्चन कराया, लेकिन मैं सोचता हूँ
थोड़ा लेंदी ज़्यादा हो जा रहा है, साइंस मैथ जी के सभी के में, लेकिन प्रैक्टिस सेट रहेगा तो खैर ऐसे ही रहेगा प्रैक्टिस सेट। वैसे आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेना, कहाँ पे, रक्षक में जा, रक्षक ऐप में जाके, सबसे बेस्ट है यार वहाँ पे, बेटर है ठीक है ना मॉक टेस्ट वहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन तो एग्ज़ाम हो नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस ऑफलाइन बनाना है, बनाना तो ऑनलाइन में ना एक्सपीरियंस, तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 175 आराम से एग्ज़ाम दी। जब इतना आपने, जब 800 लगा फॉर्म भर दिया, इसमें क्या है आपको 170-180 रुपये में, कुछ ज़्यादा नहीं ठीक है। तो आप लोग जाके मॉक टेस्ट इनरोल कर लीजिए, चीज़ें डिटेल 10 यूज़ करके आराम से, वहाँ पे भी मॉक टेस्ट लगाइए एकदम फ्री में, भी क्विजेज लगाइए एकदम मस्त से, सब चीज़ करिए एकदम दबा के, बाकी तो हम खड़े हैं आपके साथ, और ये इसका सोल्यूशन ठीक है। चलो तो आप लोग को इस, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम जुड़ जाओ, रक्षक ऐप में जुड़ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।